Today we will start exercise 18.2 of chapter trigonometrical ratios of standard angles. Trigonometrical ratios of standard angles. From M.L. Agarwal. For class 9th. Now, bachche, हमने 6 sums already कर लिए थे 7 sums से. Without using, क्या लिखा उन्होंने? Without using trigonometric table, prove that 7 to 11, 7 से 11 तक, sin square 28 minus cos square 62, 0 की equal prove करना है. ऐसे सारे parts हैं. किसी को 1 की equal, किसी 8 sum भी ऐसी है, 9th भी, 10th भी, 11th भी. हमने कहां तक करने? 11 तक. तो मैं सबका एक एक पार्ट कर देता हूं. 7th का सारे एक जैसी हैं. I can do third part. Cosecant square 67 minus tan square 23 is equal to 1. We have to prove. To prove karna hai, to left hand, right hand side. Left hand side. Cosecant square 67. Good morning, ji. Yes. Good morning. Joya. Good morning. Joya. Joya. Sir, in dono ka sum kitna ban raha hai? Sir, 90. To dono mein se ek ko change karna hai. Chahe isko kar lo, chahe isko kar lo. Isko kar le? Yes, sir. Haan, bolo. So, kuch set 90 degree. Kya bola ye? Secant. Haan. Square अपनी प्लेस पे रहेगा. आगे क्या लिखूं? So 90 degree minus theta. Angle 67 है ना? Yes sir, वो theta जी लगाया. Minus tan square 23. Secant square 90 में से 67 minus किए 23. Minus tan square 23. उस दिन भी बच्चे मैंने formulas बताए थे, आज फिर बता देता हूँ. Sin square theta plus cos square theta 1 होता है. Secant square minus tan square 1 होता है. But theta same होना चाहिए, बस ये ध्यान रखनी है. Angle the same होना चाहिए. And third one, जो square का formula है, that is cosecant square minus cot square. ये 1 होता है. ये 3 formulas हैं. तो Joya, क्या आ जाएगा? Secant square minus tan square. Secant square 23 minus tan square 23. Sir, 1. 1. Theta same है ना बच्चे? ये रहा formula देखो. ये तीनों formulas learn करनी है. Sin square plus cos square 1. Secant square minus tan square 1. And last, cosecant square minus cot square is 1. Okay? As much? Yes, sir. सर एक मिनट वो दिखाना ऊपर. ये रफ वर्क है, मतलब रफ वर्क में फार्मूलास लिखें. ओके, नोट डाउन कर लिया करो ऐसे फार्मूलास. ठीक है, अब 8th का बच्चे में दो पार्ट्स हैं. कौन सा करूं, सेकंड कर दूं या फर्स्ट ही करूं? सर लास्ट में कॉसिकेंट के साथ तो क्या माइनस है? कॉट स्क्वायर बेटा, माइनस कॉट स्क्वायर. यस सर. 8th सम. Which part I can do? Nivesha kahan rahegi aaj? Second part kar dun? Yes, sir. Secant 31 into sine 59 plus cos 31
इंटू कॉसिकेंट 59 इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है. यस युवराज. यस सर. हाय क्यों मेरे से पूछ लिया है ना. नहीं सर. नहीं cos 31 into cosecant 59. यहां देखो बच्चे इन दोनों का सम 90. बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे भी 31 59 है, यहाँ पे भी 31 59 है. या तो दोनों में 31 वाली टर्म को चेंज करो या दोनों में 59 वाली. ये नहीं है कि इसमें 31 वाली कर दी उसमें 59 वाली कर दी तो गलत हो जाएगा. सीकेंट 31 को चेंज करते हैं बच्चे. क्या आएगा युवराज? 90 minus 31. क्या आगे कुछ लिखना नहीं है सर? आगे सर आगे सीन कॉसिकेंट बच्चे. सीकेंट थीटा कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा होता है. साइन 59 को ऐसे रहने दो. कॉस 31 को चेंज करेंगे क्या बनेगा? सीकेंट 90 माइनस थीटा. यार तूने फॉर्मूलास लर्न नहीं किया युवराज? नहीं सर. फर्स्ट रोल नंबर किसका था? टेन. साइन रेशियो 6 रेशियोस है ना युवराज? यस सर. फर्स्ट वन इज साइन. साइन. सेकंड टेन. कॉस. मनमोहित. मनमोहित सर. तू किसी और डिवाइस से ज्वाइन कर रहे है? सुनाई नहीं दिया. यस सर. कोसेकेंट 31 कॉस साइन कॉस. थर्ड वन इज टेन. फोर्थ वन इज कॉट. फिफ्थ इज सेकेंट एंड लास्ट इज कोसेकेंट. दीज आर द 6 रेशियोज. साइन एंड कॉस का रिलेशन है, टेन एंड कॉट का रिलेशन है, सेकेंड एंड कोसेकेंट का रिलेशन है. साइन थीटा बच्चे कॉस 90 माइनस थीटा की इक्वल होता है. कॉस 90 कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा की इक्वल होता है. टेन कॉट 90 माइनस थीटा कॉट टेन मतलब आपस में है. टेन टेन 90 माइनस थीटा सेकेंड कोसेकेंट 90 माइनस थीटा एंड लास्ट कोसेकेंट इज साइन 90 माइनस थीटा. तो यहां बता आप कॉस 31 को क्या लिखूं युवराज? सर कॉस को sin 90 पहली बात तो इसको sin नहीं बोलना, इसको sin बोल. हाँ 90 माइनस 31 और कॉसिकेंट 59 ऐसे रहने दो. कॉसिकेंट 90 में से 31 माइनस करेंगे क्या आएगा? 59 इंटू साइन 59. यहां पे बच्चे साइन 59 इंटू कॉसिकेंट 59 सेम टू सेम. कॉसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चे पता है? सर सीकेंट थीटा ना फर्स्ट का लास्ट के साथ होता है. रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ. साइन का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट. युवराज मेरी बात सुन ले, फॉर्मूलास लर्न नहीं होंगे ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा. ठीक है सर. साइन कोसेकेंट मैं लोड पहुंच जाऊंगा देख ले. कब आओगे? कब आओगे नहीं मैं चांटे मार गिनने के लिए आऊंगा बस तेरे. आओगे तो सही. आओगे तो सही. यहाँ पे देखो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस का सेकेंट, टेन का कॉट. Cosecant can be written as 1 upon sin. Sin. ठीक है? Into sin 59. Into sin 59. अब cosecant again 1 upon sin 59. Sin 59 से sin 59 1. Sin 59 से sin 59 1. 1 plus 1 2. क्या चाहिए? किसके equal prove करना था? Is equal to RHS. आ गया answer. किसी को ना समझ आया हो बच्चे? सर इनकी यहाँ पे कटिंग हम कर सकते हैं?
मल्टीप्लाई है बेटा, 2 इनटू 1 बाय 2 है, तो इसको काट नहीं सकती तुम? नहीं सर, इसको इसकी तो कर ही सकते हैं सर, फिर ये भी तो ऊपर वाले स्टेप में, उसके ऊपर वाले स्टेप में कॉसेकेंट 15। यस सर, यहां पे सर सारे सेम टू सेम सर मैचिंग वाले सर, मैचिंग तो कर रहे हैं पर माइनस का कोई भी नहीं है, क्योंकि कट जाएगा या बताया था ना कि जैसे जो सीक्वेंट स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर है उनको स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा बच्चे, स्क्वायर कहां बन रहा है बताओ, ये क्या है? जब तक मल्टीप्लाई होता है वन टर्म होती है, जो अंडरलाइन किया ये वन टर्म है, ये सेकंड टर्म है, कहीं पे स्क्वायर नहीं आ रहा। कोसेकेंट और साइन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना? नो सर। ना ओके सर। नाइन्थ का बच्चे फर्स्ट पार्ट तो जैसे ये सेकंड पार्ट ही करूंगा नाइन्थ का भी मैं, अभी मुझे करवाएगा सौरभ, सौरभ सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड बच्चे इज इक्वल टू इसके जीरो के इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली ये वाली, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 45। यहाँ देखो बच्चे सौरभ, 20 एंड 70 का सम कितना बन रहा है? 90। तो दोनों में से एक को चेंज करना है, किसको करें? सर किसी को भी कर दूं सर, आपके मर्जी। मेरी मर्जी क्यों है, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ ना, तो तेरी मर्जी है, अब किसको कर दे? यस सर। क्या लिखूं सर? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 20। हाँ वेरी गुड, प्लस साइन स्क्वायर 70 एज लाइक। हाँ ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं बच्चे, 0 30 45 60 एंड 90। ये टेबल मतलब मेरे को लगता है हमने कर लिया था टेबल। हाँ तो टेन 45 की वैल्यू 1, ये फिल कर देंगे बच्चे, फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था ना टेबल। यहाँ पे क्या बन गया बच्चे? कॉस स्क्वायर, सौरभ बच्चे प्लीज सौरभ बोले, कॉस स्क्वायर 70। कितना लिखूं बच्चे सौरभ? 70 प्लस 7 साइन स्क्वायर 70 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये फॉर्मूला बताए थे बच्चे मैंने, ये रे देखो तीन फॉर्मूलास बताए थे ना, कहा था नोट डाउन कर लो, थीटा सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70, आगे पीछे हो सकता है। 1 माइनस 1 बच्चे? यस सर। 1 माइनस 1 जीरो इज इक्वल टू आर एच एस राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। समझ आ गया बच्चे ये? ओके सर समझ आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये 1 स्क्वायर नहीं समझ आया कि आपने 1 स्क्वायर क्यों लिखा? 18.1 एक्सरसाइज की थी क्या? नहीं की पहले ये बता। नहीं सर। क्यों नहीं की? एक ना टेबल बनाना सिखाया था ना? यस सर। ये वाला ये 10 45 ये रहा ना 1। ओके सर। टेबल में से वैल्यू जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 30 0 30 45 60 एंड 90, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनकी वैल्यूज हमें फिल करनी पड़ेंगी जहां पे भी आएगा, समझे? 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। मैथ को सीखना नहीं है? बोलो सीखना है। फिर ऐसे तो नहीं आएगा कि करते नहीं हो, जब कल का दिन एक्स्ट्रा मिल गया था, कल उठा नहीं गया मेरे से। सौरभ जी को टेंशन होगी है ना सौरभ? यस सर। कई बार हो जाता है बच्चे, रात को लेट हो गया था इसलिए बच्चे हो गया। ऐसे नहीं है ग्रुप में ही मैसेज आएगा, ऐसे नहीं है कि तेरे को पर्सनली मैं वो नहीं भेजूंगा नहीं। नाउ बच्चे हम करेंगे 10th का भी सेकंड पार्ट ही करेंगे।
टेंथ का सेकंड पार्ट क्या है, ये रहा साइन 50 अपॉन कॉस 40 प्लस कॉसिकेंट 40 अपॉन सिकेंट 50 माइनस कॉस 4 कॉस 50 कॉसिकेंट 40 प्लस 2 इक्वल टू 0 के इक्वल प्रूव करना है, ये वाला सम है ना। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं बच्चे, साइन 50 अपॉन कॉस 40 प्लस कॉसिकेंट 40 अपॉन सिकेंट 50 माइनस 4 cos 50 into cosecant 40 plus 2 equal to 0। मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, इक्वल टू 0 करना है तो इसमें हो जाएगा। अब देखो यहां 40 है 50 है 40 है 40 है 50 है, मतलब वही फंडा, या तो सारे 50 वाले चेंज कर दो, इसमें भी 50 40 है, या सब में 40 वाली टर्म चेंज करो। ये नहीं है कि इसमें 50 वाली कर दी इसमें 40 वाली कर दी, इसमें 40 वाली कर दी या 50 वाली कर दी, हमें सब में 50 वाली टर्म को चेंज कर दो या सब में 40 वाली, इन दोनों का सम 90 है। रूपनीत किसको चेंज करूं, सब 40 वाले को कर, 40 वाले को कर देते हैं। चलो साइन 50 एज लाइक कॉस 40 सर, साइन 90 माइनस 40। वेरी गुड, यहाँ पे क्या लिखूं, सब कॉसिकेंट 40 बच्चे क्या बोला था तुझे कि सब में 50 वाली टर्म 40 वाली टर्म है ना, तो यहाँ 50 वाली क्यों कर रही है, यहाँ पे भी वैसे हो जाएगा 50 वाली से भी, इसमें इसके साथ लिंक नहीं है कोई इसका, बट फिर भी हम 40 वाली करो, इसको करेंगे बच्चे, ठीक है बेटा। यस हाँ रूप क्या आ गया बोल सर, साइन 50 अपॉन साइन 50 यस प्लस सेकेंड 50 अपॉन सेकेंड 50 माइनस कॉस 50 फोर कौन बोलेगा माइनस सेकेंड 40 प्लस 40 सेकेंड 42 52 इसको ऐड नहीं कर सकती है, अलग है, एंगल सिर्फ इतना है बेटा, ऐड नहीं कर सकती। वो ये देख कॉसेकेंड 40 प्लस 2 2 अलग से है नंबर है, वो एंगल के साथ नहीं है, समझे? यस सर, अब कटिंग कर दीजिए। 0 प्लस 0 आ जाएगा ना यहाँ पे? सर 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 आएगा, ओहो, तेरे को पता है? यस। कॉस 50 एज लाइक सेकेंट 50 को क्या लिखूं? सेकेंट किसका रेसिप्रोकल है बेटा? नहीं बच्चे मैं रेसिप्रोकल पूछ रहा हूँ, वो तो लिख ही दिया ना, फिर उसको वापस कॉसिकेंट 40 लिखना है, कॉसिकेंट 90 माइनस 50 करेगी कॉसिकेंट 40 आएगा ना, फिर तो सेकेंट लिख देना, फिर 40 कॉस का, मतलब एक बार उसको चेंज कर दिया, फिर से उसको नहीं करना होता चेंज, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन कॉस प्लस 2 साथ में, कॉस 50 से कॉस 50 कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 2, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव है, जो 3 अंडरलाइन कर दिए, कितना आ गया 0 इक्वल टू RHS। किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये सम? आ गया यस सर। नाउ ऋतुजा 11th का मैं कौन सा करूं? फर्स्ट ही कर दें या सेकंड करते हैं, इसका भी सबका सेकंड ही चलने दो। कॉस 80 अपॉन साइन 10 प्लस कॉस 59 इंटू कॉसिकेंट 31 2 के इक्वल प्रूव करना है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही लिख ली यहाँ पे। यस सर, सबसे पहले हम लोग लेंगे वो वाला, सो साइन 90 माइनस 80 by sin 10 yes plus
कोसेक 90 माइनस 59 कॉस का किसका होता है सॉरी सर साइन 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 90 माइनस 59 इनटू कोसेक 31 कोसेकेंट कोसेक नहीं बोलना यस ठीक है सर तो फिर साइन 10 अपॉन साइन 10 प्लस साइन 31 इनटू कोसेक 31 को 1 बाय साइन साइन यहीं पे लिख दूं हाँ सर 1 बाय साइन 31 कोसेकेंट थीटा तो अभी हाँ सर सर तो 1 प्लस 1 तो 2 प्रूफ्ड इज इक्वल टू आरएचएस हो गया प्रूफ आया समझ किसी को डाउट हो इसमें सर इज इक्वल टू आर मिस्टर इज इक्वल टू 2 यार लिख बोला तो 2 ही था पता नहीं आर कैसे बन गया नाउ द 12th सम थ्री पार्ट्स हैं एनी टू करूंगा कौन से फर्स्ट सेकंड करूंगा फर्स्ट थर्ड करूंगा वैसे फर्स्ट वाला तो इजी है चलो कर ही देता हूं मैं करवा ही लेता हूं मनमोहित हाँ जी मनमोहित करवा बच्चे यस सर सर 2 इनटू कॉट 90 माइनस 35 ऊपर वाली टर्म को चेंज कर दिया 90 माइनस 35 अपॉन कॉट 55 हाँ दोनों का सम 90 था सिर्फ ऊपर वाली टर्म को चेंज किया यस होल स्क्वायर एज लाइक रहेगा सेम इसमें सर इसमें दोनों में भी कोई भी मर्जी कर दो सर इसमें से 10 90 माइनस 55 यस अपॉन 10 35 यस सेकंड 40 कोसेकेंट 90 माइनस 40 अपॉन कोसेकेंट 50 स्क्वायर ठीक है सर स्क्वायर तो है नहीं सॉरी इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है ना फर्स्ट वाले में था स्क्वायर तो सिर्फ 2 सर बोलो बोलता रहे अपॉन कॉट 55 होल स्क्वायर प्लस 10 35 अपॉन 10 हां जी बेटा यस माइनस कोसेकेंट पावर कोसेकेंट 50 अपॉन कोसेकेंट 50 वेरी गुड यस बच्चे नाउ सर अब कॉट कट गया जाएगा 1 1 का स्क्वायर 1 सर 1 प्लस 10 से 10 कट गया 1 कोसेकेंट 50 से कोसेकेंट 50 कट गया माइनस 3 2 1 2 प्लस 1 3 माइनस 3 क्या आ गया 0 हमने इवैल्यूएट करना था इवैल्यूएट हो गया आया समझ सारे क्वेश्चंस का आंसर 0 1 2 ऐसे ही आ रहा है मैं 0.20 हां जी बेटा हां जी हां जी हां जी चलो इसके बाद आ गई इफ्रा एक्सक्यूज मी सर हां जी बेटा बोलो हां जी सर इसमें से नहीं है सर जो आपने एक जो तीनों फार्मूलास लिखवाए हैं सर secant स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू 1 सर ये हमेशा ही ट्रू होंगे सर ये कभी मतलब गलत नहीं हो सकते नहीं थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए बस नहीं सर जैसे आंसर 0 नहीं आ सकता नहीं ओके इफ्रा यस sin 35 into cos 55 प्लस कॉस 35
इनटू साइन 55. अपॉन कॉसिकेंट स्क्वायर 10. अन्वेशा को क्या हो गया आज? अच्छा सो रही होगी, बेवकूफ ऑनलाइन भी आ रही. चलो कोई बात नहीं. इफ्रा. यस सर. करवाओ बच्चे साइन 35. एक मिनट, पेज ऊपर है. यहाँ पे पहले सबसे पहले तो ये चेक करो कि इन दोनों का सम 90 बन रहा है. यस सर. इन दोनों का भी? यस सर. बट एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ भी 35 35 55 55. या तो दोनों में 35 वाली टर्म को चेंज करो या दोनों में 55 वाली. किसको करें सर? 55. चलो साइन 35 एज लाइक कॉस 55 को क्या लिखूं? साइन 90 माइनस 55 प्लस कॉस 35. यस साइन 90 माइनस 55. साइन ऐसे डालने लग गया ना इफ्रा, ये साइन लिख रहा हूं ना मैं इफ्रा जी. यस सर. कॉस आएगा कि साइन आएगा? कॉस नहीं आएगा बेटा. यस सर कॉस आएगा. मुझे साथ ले जाना ठीक है एग्जाम में. इफ्रा बोलो बच्चे. Yes, इसको जिन कर दें. Yes, sir. बोलो क्या लिखूं? सर sec 90 माइनस 10. फिर sec क्या है ये? Secant. 90 माइनस. माइनस 10 स्क्वायर. इफ्रा क्या हो गया? साइन 35 ये कितना आएगा सर? साइन 35. साइन 35 साइन 35 सीधा साइन स्क्वायर 35 लिख दूं? यस सर. प्लस ये कितना आएगा? कॉस 35 कॉस 35 कॉस स्क्वायर 35. नीचे सेकेंट स्क्वायर एट 90 माइनस 10 80 माइनस 10 स्क्वायर 80. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा? सर 1. सेकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1. 1 अपॉन 1 इज 1. यहां पे ना साइड में सारे फॉर्मूलास लिख देना. सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. नीचे सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज 1. आया समझ? यस सर. सर फिर से एक्सप्लेन करना साइन स्क्वायर से 35 चौक में लिखा है. यस सर. साइन 35 ये कितना बच्चे माइनस करके कितना आएगा हरगुन? सर 35. साइन 35 इनटू साइन 35 कितना होगा? साइन स्क्वायर 35 नहीं होगा? ओके सर. सेम यहां पे कॉस 35 इनटू कॉस 35 कॉस स्क्वायर 35. नीचे secant square 80 minus tan square 80. Sin square theta plus cos square theta 1. Secant square minus tan square 1. 1 upon 1. 1 is the answer. Okay. Excuse me, sir. हाँ जी. सर जी यहाँ पे जो आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिखा है सर, इसमें थीटा मतलब कि सेम होना चाहिए? हाँ जी बेटा. ओके सर. तेरा ना टावर सिग्नल लेट पकड़ता है ना? यस सर. सर आज नेट की बहुत प्रॉब्लम है. तेरा टावर? मेरा सर नेट की टावर नहीं. टावर ही है अब दिमाग तेरा टावर ही है सर. इसका ना दिमाग सर इसके घर पे कहीं नीचे गिरा हुआ है. समझी ना? पहले मतलब जब मैंने फॉर्मूलास करवाए थे तब बोला था, स्पेशली 3-4 बार बोल दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बट कंडीशन इज दैट थीटा शुड रिमेन द सेम. ठीक है? यस सर. सर जब भी सर आप जिंदगी में कभी भी इसके घर जाओगे ना सर, चेक कर लेना सर, देखना आपको जमीन पे कहीं गिरा पड़ा मिला होगा इसका दिमाग. तो ना लड़ाई कर, अभी वो शुरू हो जाएगा देख लेना, फिर चुप नहीं करेगा वो.
कोई ना सर कर ले तो फिर से क्या रह लेगा सर वो. नहीं बेटा बस सीरियस. जोया यस सर. मुझे साइन स्क्वायर 34 प्लस साइन स्क्वायर 56 टू टेन 18 टेन 72 माइनस कॉट स्क्वायर 30 12 का थर्ड पार्ट. इफ्रा कहाँ गई है? इप्सिता इप्सिता भी इप्सिता करवा बच्चे. यस सर करवा. बोल सर. इसमें से सर अभी हम चेंज करेंगे सर. साइन स्क्वायर 34 को ऐसे ही रहने देंगे सर. जो साइन स्क्वायर 56 है उसको कॉस में चेंज कर देंगे. चाहे इसको कर ले चाहे इसको कर ले दोनों का सम 90 है ना. इट इज नॉट कंपल्सरी कि उसको ही करना है. इसको भी कर सकते थे. कोई बात नहीं सर किसी को करना है. यहाँ पे क्या लिखूं सर? कॉस माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस नहीं सर सॉरी 90 माइनस 56 18 और 72 का सम 90 है 2. इसको चेंज कर दो. क्या लिखूं सर? कॉट 90 माइनस 18 1072 सेम टू सेम. यस सर. और कॉट 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू है स्टैंडर्ड एंगल है इसकी वैल्यू फिल करनी पड़ेगी. कितनी होती है? रूट थ्री होती है स्क्वायर एज लाइक. यस यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? सर यहाँ पे पहले सेम ही आ जाएगा. साइन स्क्वायर 34 प्लस कॉस 34 कॉस स्क्वायर 34 प्लस सर 2 cot 70 नहीं 70 सर यहाँ पे आएगा सर 72 आएगा. cot 72 into tan 72 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3 रूट थ्री का स्क्वायर 3. ये कितना बन गया जो जितना अंडरलाइन किया मैंने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. देखो थीटा की वैल्यू सेम है तो 1 बनेगा. प्लस आगे क्या करूं? 2 एज लाइक लिख दिया. कॉट को 1 अपॉन टैन लिख सकता हूं बच्चे में? यस सर. इनटू टैन इनटू टैन 72 दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे सर. 1 प्लस 2 माइनस 3 तो 3 माइनस 3 0. वेरी गुड. आया समझ बच्चे? यस सर. रणबैक्सी जी रणबैक्सी. यस सर. टाइम क्या हो गया? टाइम क्या हो गया? टाइम पूछा मैंने सर 36. फिर 13 का बच्चे फर्स्ट पार्ट कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा 2 के इक्वल प्रूव करना है. तो लेफ्ट साइड ले ली मैंने सिर्फ. इसको 2 के इक्वल प्रूव करना है ना. हरगुन बोलो बच्चे क्या लिखूं? देखो अब एक चीज का ध्यान रखना है. जहां पे जैसे 90 माइनस थीटा आ गया ना तो उस टर्म को ही चेंज करो. कॉस थीटा को ऐसे ही रहने दो. साइन 90 माइनस थीटा हर गुण किसके इक्वल होता है सर? कॉस 90 माइनस थीटा. ओ कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस कैसे हो जाएगा? तो कॉस थीटा सर. ये देखो अच्छे अब से पहले हम क्या कर रहे थे? सिर्फ इसकी वैल्यू फिल कर रहे थे. कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा. अब हमारे पास ये वैल्यू ये राइट साइड है तो ये लिखेंगे ना. यस सर. साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखूं सर? साइन थीटा. साइन थीटा कॉस से कॉस कैंसिल 1 साइन से साइन कैंसिल 1 1 प्लस 1 कितना आ गया हरगुन? 2. ओके इज इक्वल टू आरएचएस.
अभी इसका सेकेंड पार्ट बेटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, वन के इक्वल प्रूफ करने हैं लेफ्ट हैंड साइड। दिवांशु क्या करूं? दिवांशु सो रहा है वो। कैथरीन सर इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? इसको प्रूव करना है वन के इक्वल। ओके सर। जोया यस सर। चेंज करो बच्चे। जब 90 माइनस थीटा आ गया ना बेटा, यस सर, तो उसी टाइम को चेंज करना है। कॉस थीटा सेम रहेगा? यस सर, कॉस थीटा तो सर साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो सर सेकेंड तो कॉस थीटा होता है। साइन थीटा इज लाइक कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा होगा तो साइन थीटा हो जाएगा। कॉस इनटू कॉस cos square theta, cos square sin into sin, sin square theta, cos square theta plus sin square theta। सर हम इसको 2 cos theta नहीं लिख सकते, 2 cos है ना। 5 into 5, 2 into 5 लिखेगी क्या 5 square लिखेगी? नो सर, जैसे हमने पहले हम करते मेरे को एक बात बता, 2 into 2 plus x 2 square, एक सेकंड, 5 into 5 5 square, x into x x square, yes or no? Yes sir। कि 2x लिखेगी x into x को? तो फिर वो x plus x को 2x लिखते हैं। x हाँ, फिर यहाँ plus है बीच में। दो से मैं पूछ रही हूँ। फिर cos into cos, cos square बनेगा ना बच्चे? Yes sir, मैं बस पूछ रही थी। तो मैं भी बता ही रहा था, मैंने कौन सा कुछ और किया है? Yes, हाँ जोया, sin square theta plus cos square theta। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? स्क्वायर वाले तीन फॉर्मूलास नहीं करवाए थे? सॉरी थी तब। यस सर, यस सर, यस सर। कितना होता है? सर कॉस स्क्वायर प्लस सर 1 1 1 1 इज इक्वल टू आरएचएस। यस सर, बिकॉज़ हमें थीटा की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो फिर हमने 90 माइनस थीटा करके सीधा थीटा कैसे लिख दिया? ये फार्मूला है ना, इसमें कुछ थीटा की वैल्यू पता है? नो सर। फिर cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं। ओके सर, थीटा तो सेम ही है ना? यस सर। सो और ना सर, अनवेशा की दीदी का मैसेज आया कि वो ठीक नहीं है इसलिए वो क्लास नहीं लगा रही। अच्छा सर, इसे तो मैसेज ही आते रहते हैं। और इसको बड़ी प्रॉब्लम सर, इसको नहीं आते ना बेचारे को सर, ऐसे काम में पड़ते ही नहीं है सर। हाँ जी बेटा। सर संडे को भी क्लासेस लग रही है? हाँ जी। अच्छा सर, क्यों ना लगा? रहने दिया करो। ओ बच्चे, मेरा टाइम कैसे पास होगा तुमसे बातें कर ये बिना, ये बताओ। सर बिग बॉस शुरू हो गया सर, बिग बॉस देख के। आज तक ही नहीं देखा मैंने सर, सच्ची में। हाँ? सर मैंने एक ही सीजन देखा था, बिकॉज़ उसमें मेरा रिलेटिव था, इसलिए मैंने देखा। चलो, तेरा कौन सा रिलेटिव आ गया उसमें? सर आसिफ रियाज होने वाली है। सर आसिफ रियाज। आसिफ रियाज कौन है सर? वो जो बिग बॉस किसमें आया सर? देखो सर कितना झूठ बोल रहे हो सर। आसिफ रियाज सर इसका रिलेटिव। यस सर, आसिफ रियाज चौधरी सर रजौरी का है और यहाँ पे रहता है सर अभी। तो मुलाकात ही चाचे का बेटा है। और मेरे कजन मामू से उसकी बहन की शादी भी हुई है। ओहो हो जी जा जी। चल बस रिश्तेदारियां निकालने लग गए सारे। तो सर, पढ़ाना छोड़ दूं?
पढ़ाना छोड़ दूं? नो सर, चल संडे को सर बातें वाली क्लास लगा ले, तो कर भी लेंगे सर। बस बच्चे सर एक मिनट सुनो की बात, सर बातें नहीं करके सर जब उसका फिनाले हो गया था ना, तो सर नीचे वहां पे एक लड़की बैठी थी ना छोटी सी ब्लू ड्रेस में, वो तू थी? नो सर, इसको सलमान खान ने चॉकलेट्स भी दिए थे सर, वो मेरी भतीजी थी। अच्छा Yes, sir. तो मुझे लगा कहने लगी कि जो फोन मारते होते हैं ना वो इसको ही मार रहा था, कैसी है नाइंथ वाली बुआ है तो उसकी। यस सर, अब हूँ मैं क्या। चलो 1090 माइनस थीटा, एक मिनट सौरभ। यस सर, 1090 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है सर? कॉट 90 माइनस यार, कॉट थीटा होता है अकेला, ठीक है? ओके। साइन 90 माइनस थीटा क्या सर? साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस सर, कॉस से कॉट कट गया वन, यार टेन अपॉन कॉट, अब क्या करें? व्हाट वी कैन डू, टेन वन अपॉन, या ऐसे करो टेन को टेन रहने दो, कॉट थीटा है जो उसको वन अपॉन टेन लिख सकते हैं बच्चे, ये मेन लाइन है, यहाँ पे एरो लगा दिया प्लस वन, देखो ध्यान से कर सकते हैं, बोलो बच्चे। यस सर, यस सर, कॉट थीटा वन अपॉन टेन होता है, टेन को टेन रखा ऊपर, न्यूमिरेटर को सेम रखा, कॉट को क्या लिख दिया? वन अपॉन टेन लिख दिया प्लस वन साथ में, अब यहाँ टेन ऊपर चल जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये मेन लाइन है ना, तो डिनोमिनेटर में अपॉन में था, टेन अपने प्लेस पे, ये टेन कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा, नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस वन। अब टेन इंटू टेन, जोया। Yes sir. 10 into 10, 210 थीटा बनेगा ना? थीटा। 210 थीटा नहीं बनेगा? No sir, इसमें प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओहो, ये आ गया बेटा। अब मुझे स्क्वायर वाली इप्सिता, 10 स्क्वायर आ रहा था ना किसी में? Yes sir. तो वो फॉर्मूला बता। Sir, secant square theta minus tan square theta equals to 1. इस फॉर्मूला में से टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल इप्सिता। सर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस सेकेंट थीटा, वन माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा। यस सही है, बोलना नहीं है किसी ने, इप्सिता तू बता सही है ये? टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इधर माइनस को उस साइड ले जाओ, तो टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी है ना हमने? यस सर। तो सेकेंट स्क्वायर प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना? यस सर। और वन माइनस का हो जाएगा, यही आएगा ना? यस सर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, मतलब इसी फॉर्मूला से ड्राइव करके हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, सेकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है। यहां से बच्चे टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाली मैंने, किसके इक्वल आ गई? सेकेंट स्क्वायर माइनस वन। तो जहां पे टेन स्क्वायर है वहां पे क्या फिल कर दो? सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस वन साथ में, वो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे साइड पे तुम्हें सॉल्व करके दिखाया है, तो सीधा टेन स्क्वायर के प्लेस पे ये वैल्यू फिल कर सकते हैं जो मैंने अंडरलाइन कर दी। सर अभी भी पूरा सॉल्व हो रहा है, वन से माइनस वन कैंसल, व्हाट वी गेट? सेकेंट स्क्वायर थीटा। क्या चाहिए था किसके इक्वल प्रूफ कर? सेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करना था, आ गया इक्वल टू आरएचएस। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे कि हमने यहाँ पे ये वैल्यू फिल किया। ओके यस सर। सर एक बार फिर से बता दो, किसने पूछा? सर मैंने, सौरभ ने। सर उधर से नहीं, सर नीचे से, नीचे और नीचे। कोई बात नहीं बच्चे, tan थीटा इज लाइक tan 190 में cos थीटा, sin 90 माइनस cos थीटा, cos नीचे, 1 कट गया 1 आ गया। अब बच्चे tan को tan रखा, cot जो था उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 upon tan होता है ना, tan का रेसिप्रोकल होता है,
यस सर, वन बाय टेन लिख दिया, टेन अपनी प्लेस पे है, वन बाय टेन, टेन कहाँ चला गया ऊपर, प्लस वन साथ में, टेन इंटू टेन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस वन, तो टेन स्क्वायर की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूला से ड्राइव कर ली, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, थीटा वन होता है ना, वहां से टेन स्क्वायर उस साइड ले जाओ, वन इस साइड, तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, सीकेंट स्क्वायर माइनस वन, प्लस वन साथ में था, वन और माइनस वन कैंसिल हो गए, क्या रह गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा रह गया, बस। नाउ 14 सम फर्स्ट पार्ट, रितुजा क्वेश्चन में लिख रहा हूं, अच्छे कॉस 90 माइनस ए अप इनटू साइन 90 माइनस ए अपॉन में, बच्चे हमारे पास क्या है, टेन 90 माइनस ए, किसकी इक्वल प्रूफ करना है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए की इक्वल प्रूफ करना है, कॉस 90 माइनस ए, बच्चे सर साइन ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके उसके बाद साइन ए, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट ए, सॉरी। अब कॉट का फॉर्मूला रितुजा, सर कॉट इज वन बाय टेन, और कोई फॉर्मूला कॉट का, सॉरी करवाया था मैंने स्टार्टिंग में सर, कॉट का ना, हाँ जी सर मैं बताऊँ, कॉट का है कोस कोस सेकंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट है बच्चे, कॉट है ओनली, कॉट स्क्वायर नहीं है, कॉट थीटा है ना, अकेला कॉट ही है ना, स्क्वायर नहीं है ना रितु, यस सर, तो बच्चे स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते बच्चे, ये होता है कॉस अपॉन साइन होता है, यस सर, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस, तो कॉट किसका, टेन का रेसिप्रोकल है तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, अब साइन ए एज लाइक कॉस ए एज लाइक कॉट, कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए ऊपर चला जाएगा बच्चे मेन लाइन के, ये समझ आ गया ना, साइन ए ऊपर कैसे लिखे गया हूं मैं, कॉस अपॉन साइन लिखेंगे ना, साइन कहां चला जाएगा, ऊपर, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या आ गया सर, सेक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला फिर से स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला क्या फॉर्मूला था सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, तो ये वैल्यू क्या है, ओनली साइन है ना, हाँ सर, सर तो इसको कॉस में कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जहां पे साइन स्क्वायर है वहां पे क्या लिख देंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, इज इक्वल टू आर एच एस, हो गया, आया समझ बच्चे, सिंपली फिर से देख लो, कॉस 90 माइनस ए को साइन ए, साइन 90 माइनस ए को कॉस ए, नीचे टेन को कॉट ए, साइन ए एज लाइक कॉस ए एज लाइक, जो कॉट है नीचे वो कॉस अपॉन साइन बनेगा, ये मेन लाइन है ना, कॉस अपॉन साइन तो साइन ऊपर आ जाएगा, कॉस ए कॉस कैंसिल, साइन इन टू साइन, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू बच्चे आ गई हमारे पास, आया समझ, यस सर। 14 का सेकंड पार्ट अपने आप ट्राई करोगे, 15 देखो बच्चे, 15 का फर्स्ट पार्ट, कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन सीकेंट 90 माइनस थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर 30, ये वैल्यू है बच्चे, कॉस थीटा इज लाइक इफ्रा साइन 90 माइनस थीटा सर कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा सर साइन थीटा सेकंड 90 माइनस थीटा कोसेकेंड थीटा माइनस थ्री टेन थर्टी
30 इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, इसकी वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, दैट इज 1/√3. स्क्वायर था तो स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है बच्चे, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 आ गया. साइन थीटा, कॉसिकेंट, यस सिंप्लीफाई करना है, मतलब प्रूव नहीं करना. कॉसिकेंट थीटा बच्चे किसके इक्वल होता है? सर 1/sin थीटा. 1/sin, sin क्या कहां पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा. कॉसिकेंट 1/sin होता है ना, sin कहां चला जाएगा? ऊपर. दिस इज द मेन लाइन, -3, 1 का स्क्वायर 1, ओए √3 का स्क्वायर 3. 3 से 3 कट गया. 1 प्लस sin into sin, sin square theta, yes sir, minus one से plus one कट गया, क्या रह गया आंसर? sin square theta, ये आंसर है. सिंप्लीफाई बोला था उन्होंने क्वेश्चन में, तो सिंप्लीफाई कर दिया. इसके आगे कुछ नहीं होगा, समझे? सिंपल एनफ, बहुत इजी समझे. 15th का सेकंड पार्ट, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा. सौरभ, यस सर. भाई टेंशन होगी, मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया है ना सौरभ? नो सर. नहीं पक्का? यस सर. तू पठानकोट से है ना? नो सर. और सर हरियाणा से हूँ, पठानकोट में रहता हूँ. हरियाणा से है, पठानकोट में. हरियाणा में कहाँ से है सर? भिवानी. भिवानी हरियाणा. अच्छा, तो क्या करने लग रहा है सर? कुछ ना. ऐसी बोलते हैं ना हरियाणा में. सर आपको हरियाणवी आती है? और मैं रह के आया हूँ, आप सिरसा में रह के आया हूँ 2 साल. वाओ सर, मेरे को भी आती है. वहां पे ना स्टडी की थी मैंने, तो सोनीपत का लड़का था, तो हॉस्टल में थे, तो वो बोला, मतलब हॉस्टल में ना वो चाहिए था, मिरर चाहिए था, न्यू हॉस्टल बना था, तो वार्डन को बोल रहा है वो, सर मतलब इंग्लिश कम आती थी उसको, कहता सर वी वांट अ ग्लास इन द रूम. कहते ग्लास, ग्लास क्या करना है आपने? सही है, मिरर था, ग्लास बोल रहा था वो उसको. तो सारे मतलब सारे सोचने लगे, ग्लास ग्लास क्या क्या करना है, इतने तो ग्लास पड़े हैं सबके पास है. तो बाद में पता चला कि मिरर बोल मिरर चाहिए था. वार्डन भी कहता, कहता ग्लास क्या करना है आपने? कहता सिर मतलब कंघी करनी होती है. तब समझ आया कि हाँ मिरर चाहिए इसको, ग्लास नहीं चाहिए. सर आपको पूरी हरियाणा नहीं? बेटा पूरी नहीं आती, थोड़ी बहुत. के करन लाग रहा है सर, मेरे को बोलनी नहीं आती, समझ में आती है. यहाँ पे सर हमारे टीचर भी बहुत हरियाणा के हैं. अच्छा, बड़ी मतलब सर. हाँ जी सर. पंजाब के बाद क्या आता है? पंजाब के बाद क्या आता है? पंजाब के बाद कुछ नहीं आता, पंजाबी आते हैं. नो सर, मतलब पंजाब के बाद हरियाणा आता है? नहीं, जम्मू भी आता है. सर दिल्ली आता है? पाकिस्तान भी, पाकिस्तान भी आता है. नो सर, मतलब उसके बाद क्या आता है? ले सारा जो बॉर्डर के साथ लिंक है वो सारे सब बाद में आते हैं. चाहे ऊपर की तरफ जाएंगे तो जम्मू आ जाएगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो हरियाणा आ जाएगा, साइड पे जाएंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा. सर मेरे को पंजाबी भी आती है. ठीक है, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा बोल बच्चे. सर मैं, हाँ जी सौरभ. सर सेकंड थीटा. साइन 90 माइनस थीटा. सर कॉस थीटा. कॉट 90 माइनस थीटा. टेन थीटा. नीचे अपॉन में कॉस 90 माइनस थीटा. सर साइन थीटा. सेकंड 90 माइनस थीटा. सर को सेकंड थीटा.
into tan theta. Plus cot theta as like tan 90 minus theta. So cot theta. यहाँ देखो tan से tan कट गया और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा तो अब इसको sin cos में कन्वर्ट कर दो. secant theta किसका reciprocal है बच्चे? सौरभ जी आपकी टर्न ही है. सर cosecant theta. वन अपॉन cos बच्चे. secant वन अपॉन cos. cos को cos रहने दो. cosecant वन अपॉन sin. sin कहाँ चला जाएगा? ऊपर. ऊपर. एक cot से cot कट गया वन आ गया. secant वन अपॉन cos cos. एक sin भी पड़ा था बच्चे नीचे. sin ऑलरेडी था. sin से sin cos से cos. वन प्लस वन क्या आ गया हमारे पास? टू आ गया. दिस द आंसर. आया समझ? यस सर. 16 सम. अभी सेवन हो गए हैं. सम चार रह गए. मुझे ये कंप्लीट हो जाए. करवा दो सर. कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन में बच्चे टेन 60 प्लस थीटा इंटू टेन 30 माइनस थीटा. वन की इक्वल शो करना है. देखो 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा को ऐड करेंगे तो 90 बनता है ना. थीटा से थीटा कैंसिल होता है. 45 एंगल है पूरा. कॉस स्क्वायर थीटा है ये पूरा. थीटा मतलब एंगल. सर वो तो ठीक है सर. मतलब सर उनमें प्लस है या फिर नीचे मल्टीप्लाई है सर उस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं. नहीं बच्चे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दो वैल्यूज जिनका सम 90 है उनमें से एक को चेंज करना है. प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा नीचे दोनों का सम 90 इसको चेंज कर दें. पहली वाली टर्म को कॉट 90 माइनस 60 प्लस थीटा इंटू टेन 30 माइनस थीटा. यहां देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 45 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा. डिनोमिनेटर में कॉट ओपन करेंगे ब्रैकेट बच्चे 90 माइनस 60 माइनस थीटा आ जाएगा इंटू टेन 30 माइनस थीटा को ऐसे रहने दो. ऊपर ये समझ आ गया माइनस कैसे आया? ब्रैकेट के बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज हो गया. ये साइन स्क्वायर 90 में से 45 माइनस किया 45 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा. डिनोमिनेटर में कॉट 90 में से 60 माइनस किए 30 माइनस थीटा इंटू टेन 30 माइनस थीटा. साइन स्क्वायर थी ये देखो एंगल सेम आ गया. अभी 45 माइनस थीटा 45 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन. मतलब नीचे ही लिख देता हूँ वन. नीचे बच्चे कॉट 30 माइनस थीटा टेन 30 माइनस थीटा तो इसको चेंज कर दूं वन अपॉन या नीचे मेन लाइन के नीचे लिख देता हूँ. अभी ऊपर लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इंटू टेन 30 माइनस थीटा एज लाइक ये वैल्यूज कट गई. क्या आ गया? वन अपॉन वन. वन इज द आंसर. आया समझ बच्चे? यस सर. यस सर. नाउ 17 सम. साइन 3a पूरे कराने आज तीन सम तो रह गए. बस दो मिनट लगेंगे. सर इनमें कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 5 मिनट्स क्योंकि एक जैसे हैं. जैसे 17 सम के 3 पार्ट्स हैं तीनों में से एक करूंगा. मैंने पहला पार्ट कर रहा हूँ बाकी सेम है. अब यहाँ पे बच्चे साइन 3a को इफ्रा क्या लिख सकते हैं?
युवराज साइन थ्री थीटा, थ्री ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 3 ए, कॉस ए माइनस सिक्स. कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करो. कॉस कॉस सेम है तो ये एंगल बच्चे इक्वल हो जाएंगे. 90 माइनस थ्री ए इज इक्वल टू ए माइनस सिक्स. माइनस थ्री अपने प्लेस पे, ए साइड आके माइनस हो गया, माइनस सिक्स, 90 उस साइड जाके माइनस हो गया. माइनस फोर ए इज इक्वल टू माइनस 96, माइनस से माइनस कैंसल, ए वी गेट 96 अपॉन फोर. क्या आ गया हमारे पास? 4 2 8 4 24 इज द आंसर. ऐसे करने हैं, तीनों पार्ट ऐसे ही हैं. समझ आया बच्चे? देखो साइन थी थ्री ए, यहाँ पे कॉस ए माइनस सिक्स, इसको चेंज कर लो. कर लिया चेंज, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा. अब बीच में इक्वल साइन है, लेफ्ट और राइट दोनों में कॉस है ना, तो ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल. एक लाइन लिखनी है बीच में, कंपेयरिंग बोथ साइड्स. 90 माइनस थ्री ए माइनस सिक्स के इक्वल, ए वाली टर्म एक साइड पे करके सॉल्व कर दिया. 18 सम इज ऑल्सो सेम ऑफ सेम टाइप. फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ कॉस 63 सेकंड इज 1. दोनों में से एक कर देता हूँ, सेकंड पार्ट कर देता हूँ इसका. मैं 18 का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ. टेन 35 cot 90 माइनस थीटा की इक्वल है, नो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 की इक्वल है. वी हैव टू फाइंड थीटा. cot 90 माइनस थीटा को बच्चे अपने प्लेस पे रहने दो. tan 35 मल्टीप्लाई था, कहाँ चला गया? नीचे चला गया, 1 अपॉन tan 35 आ गया. बोलो. यस सर. यस सर. वन अपॉन टेन युवराज किसके इक्वल होता है? Yes, कोई भी बोल. वन अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल होता है? So, मैं बोल कॉट. कॉट सेम कॉट 90 माइनस थीटा है का ना? कॉट ना, ये ऐसे ही रहने दो. कॉट 90 माइनस थीटा बेटा. नहीं सर वो नहीं, ये वाला 1/tan 35. नहीं बच्चे, 1/tan थीटा cot थीटा होता है सीधा ही. मतलब 90 वाला, 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहा मैं, 1/tan को पूछ रहा हूँ. cot थीटा होता है तो cot 35 बन गया. कंपेयरिंग बोथ साइड्स, 90 माइनस थीटा किसके इक्वल 35 के? माइनस थीटा किसके इक्वल 35 माइनस 90? माइनस थीटा किसके इक्वल? 10 में से 5 के 5, 8 में से 3 के 5, माइनस 55, माइनस से माइनस कट, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 55 आ गई. ये आंसर आ गया बच्चे. सर हम कॉट को वहां पे हमने चेंज क्यों नहीं किया टैन में? वैसे नहीं किया, फिर इसको चेंज करना पड़ता बाद में. कॉट 35 को टैन 90 माइनस थीटा लिखना पड़ता फिर. ओके सर. उस वैसे कर लेगी तो भी सही है. लास्ट सम बच्चे, एक बस लास्ट ही है. ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी. सर ऊपर वाले सम एक और बार दिखा दो. हाँ जी बेटा, टेन थर्टी पता चल गया, टेन मल्टीप्लाई था ना, नीचे ले गए उस साइड. 19 ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल. पहला पार्ट क्या प्रूफ करना है? कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू साइन सी बाई टू प्रूफ करना है. ये क्या है? ट्रायंगल के एंगल है ना, तीनों एंगल्स का सम 90 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. अब जो चीज प्रूव करनी है उसमें लेफ्ट साइड में क्या है? ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी है ना. यहां से ए प्लस बी की वैल्यू निकालो किसके इक्वल? 180 माइनस सी. इस लेफ्ट हैंड साइड में फिल कर दो. 180 माइनस सी के लिए बच्चे हमें ये c बाय 2 के इक्वल प्रूव करना है ना, तो लेफ्ट साइड में क्या है? a प्लस बी है ना, a प्लस बी की वैल्यू यहां से निकाल ली. a प्लस बी के प्लेस पे 180 माइनस सी फिल हो जाएगा. यस ऑन टू, क्योंकि लेफ्ट साइड ली है. cos इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं,
कट गया 90 cos 90 माइनस c बाई टू, मतलब cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, थीटा की वैल्यू c बाई टू है, राइट हैंड साइड आ गई, हो गया। समझ में नहीं आया, छोड़ कोई बात नहीं, फिर समझ के करना क्या है। सर ये क्या किया सर एंड में आपने, सर देख लो इसी तक अभी नहीं आया। बोलने में तो ना इतनी तेज है ये। ये बताओ बच्चे, ये फॉर्मूला तो किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है सर? यस सर किया है। तीनों एंगल्स का सम बच्चे 180, हमें क्या चाहिए था लेफ्ट साइड में, a प्लस बी चाहिए था ना, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली 180 माइनस सी, ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी, cos as like a प्लस बी के जगह 180 माइनस सी, नीचे 2 as like, cos as like 180 upon, कैसे काट दे, बीच में क्या साइन है, yes, नहीं काट सकते, मल्टीप्लाई होता फिर काट सकते थे, 2 दोनों के नीचे है, दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, यहाँ पे कट के 90, ये c बाई टू रहेगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूला मैंने साइड पे लिख दिया, यही प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट सेम है, a प्लस सी है, यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 माइनस बी वैसे इसमें फिल करके आ जाएगा। तो एक्सरसाइज हमारी सर कल दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? कर दूंगा जी, कर दूंगा। चैप्टर खत्म। माइनस का था c बाय टू, तो प्लस का कैसे हो गया? और यार यहाँ पे थीटा माइनस का था, थीटा प्लस का कैसे हो गया रूप? एंगल 90 माइनस थीटा इसके इक्वल होता है साइन थीटा के, थीटा की वैल्यू तो c बाय टू ही है ओनली। तेरे को ना सुने भी ना आती नहीं है समझ, कुछ उच्ची सुनना पड़ता है, सुनाना पड़ता है तेरे को। सर नया चैप्टर। हाँ जी बच्चे, इससे लास्ट 17 है ना सर, वो भी ट्रिग्नोमेट्री है? नहीं ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ नहीं एक मिनट, हाँ ट्रिग्नोमेट्री है वो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला सारा। सर ये सारा सेम ही तो है, सेम ही होता है बच्चे, मैंने कौन सा बोला है? हाँ जी सर आपने 20th चैप्टर करवा दिया। हाँ जी बेटा,